अरे दिवाली आ रहा है, इस बार दिवाली में कद्दूपुर में आतंक होगा। हमरा आतंक होगा, हमरा इस बार कद्दूपुर में हम लोग भी अपना एक पटाखा का दुकान लगाएंगे और अपना आदमी को वहां बैठाएंगे और पटाखा के जगह ग्रेनेड बेचेंगे आलू बम बोल के, क्योंकि कद्दूपुर का बच्चा सब बेवकूफ है। सब बच्चा के हाथ में आलू बम बोल के ग्रेनेड थमा देंगे, फिर वो लोग गली गली में जाकर ग्रेनेड फोड़ेगा और ये आतंक को कोई नहीं रोक पाएगा। इस बार की दिवाली कद्दूपुर याद रखेगा। अरे भैया ये क्या इतना बड़ा बड़ा? अरे बाबू दिवाली आ रहा है तो क्या होगा, पटाखा ही ना होगा, पटाखा का दुकान है तो पक्का है, चाहिए 2 रुपया पीस है, सबसे सस्ता दे रहे मार्केट में हम, वो भी इतना बड़ा बड़ा आलू बम तुमको कोई नहीं देगा। और दूसरे का आलू बम फेंकोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि फूटेगा कि नहीं, लेकिन हमारा आलू बम का गारंटी है 100% फूटेगा और सामने वाले का जरूर हड्डी टूटेगा। अरे भैया इतना बड़ा बड़ा आलू बम तो हम पहली बार देख रहे हैं, ये क्या कार्बाइड देके इसको बड़ा किया क्या? अरे क्या बकबक करा रहे तुम, ये कोई फल है क्या जिसको हम कार्बाइड देके बड़ा करेंगे? तुमको लेना है तो लो, नहीं तो भागे यहाँ से, धंधा खराब मत करो हमारा। क्या बोलते हैं, कल एक दूल्हे लेते हैं 50 पीस फोड़ेंगे। अरे भैया आपका कहने से कैसे मान ले कि जो आपका आलू बम है बड़ा वाला ये फूटेगा ही, ऐसा तो नहीं बड़ा साइज दिखा के हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं? ये सब तो 58 चवनी में मिलता है एक पीस, आप 2 रुपये में दे रहे हैं, एक पीस फोड़ के दिखाइए तो। अरे हमारा धंधा मत खराब करो, भागे यहाँ से तुम लोग, तुम लोग को चाहिए तो लो नहीं तो भागे यहाँ से, कोई हम डेमो नहीं दिखाएंगे, हम अपना माल का खराब करे फोड़ के दिखाए तुम लोग को, तुम लोग को चाहिए तो खरीद के जाओ और अपना घर में फोड़ो। कला को तू इतना क्या सोच रहा है, 2 रुपया का है यार, ले लेते 50 पीस, 100 रुपया तो लगेगा। भैया एक काम कीजिए, दे दीजिए, चलिए। अरे फंस गया बेवकूफ, सरदार सही बोला था, कद्दूपुर का बच्चा बेवकूफ है, फंस गया, अब आतंक मचेगा कद्दूपुर में, और पहली बार होगा कि आतंक मचाने वाला बड़ा नहीं बच्चा लोग होगा। अरे ओ पुलिस अंकल, ले लीजिए आलू बम। अरे काला कद्दू ये कैसा आलू बम था, इससे इतना आग निकला और वो पुलिस चाचा भी उड़ गए, यानी कि 2 रुपया में हम लोग ठगा ही नहीं है, बढ़िया बम मिला हम लोग को। आप चल के मोहल्ला में फोड़ेंगे, सबसे पहले टकला के ऊपर फोड़ेंगे, वो बहुत होशियार बनता है, और मोहल्ला में सबसे ज्यादा बम का धमाका हम ही लोग करेंगे। अरे काला कद्दू वो देखो, एक लेडीज बच्चा लोग की तरह अनार जला रही है, एक आलू बम फेंको उसका छत पे, भी उसको भी पता चले हम लोग के पास कितना बड़ा बम है। अरे तो मस्त बम है, कैसे उड़ गई वो लेडीज, अब तो मजा आएगा, सबका घर में फोड़ेंगे हम लोग अपना बम, दिखाएंगे कि हम लोग के पास कितना पावरफुल बम है। आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, तेरे कंगना ने दिल धड़काया है। अरे रे 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 रे। और मजा आया, टकला भी उड़ गया। अरे काला कद्दू हम लोग का तो सारा आलू बम खत्म हो गया, चलो फिर से लेके आते उसी से। काला कद्दू एक पीस है मेरे पास, पापा के ऊपर भी फोड़े क्या, तभी ना उनको पता चलेगा कि हम लोग कितना बढ़िया पटाखा लाए हैं, पावरफुल पटाखा लाए हैं, तभी ना अगले बार जब वो दुकान लगाएंगे दीपावली में तो वो भी रखेंगे ये वाला पटाखा, फोड़े क्या बोलो तो। नहीं नहीं पागल है क्या, चोट लग जाएगा पापा को, दूसरा के ऊपर फोड़ सकते हैं, पापा के ऊपर काहे फोड़ेंगे, चलो ना नया और लेते हैं उससे। अरे कौन बिठा हमारे ऊपर बम फेंका, वो भी इतना बड़ा, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे भैया 50 और दे दीजिए तो आलू बम ये वाला। अरे सब बम इसी लोग को दे देंगे तो बॉस डांटेगा हमको। हाँ दे रहे अभी, लेकिन बता देते हैं 10 रुपया पीस देंगे अब। अरे उस समय तो 2 रुपया पीस दिए थे, अब रेट बढ़ गया, नहीं लेना आपसे, आप थक रहे हैं, कम में दीजिएगा तो बोलिए, मारेंगे चाय चमेटा ना दोनों को तो मिजाज ठीक कर देंगे, बकवास मत करो, निकलो ना दुकान से। ये बहुत होशियार बन रहे हैं ना, एक बम है मेरे पास, इसी के दुकान पर फोड़ देते हैं, पूरा दुकान फोड़ जाएगा, हमारा दिवाली इसी में बन जाएगा, फोड़ के जाएंगे इसके ऊपर, छोड़ेंगे नहीं हम इसको, हमको बोला चमेटा मारेगा, दिखाते हैं इसको हम बम मार के। अरे काला कद्दू मजा आ गया, इतना खुशी तो बम फोड़ के भी नहीं आ रहा था, जितना इसका दुकान चलते हुए देख के आ रहा है,
अरे हर बार जब भी हम कद्दूपुर में कुछ करना चाहते हैं तो पता नहीं कहाँ से ये दो लड़का हरामखोर आ जाता है, हमारा प्लान चौपट कर देता है काला कलूठा सब। शुरू में जब तुम खुशखबरी दिए कि कद्दूपुर में बम फूट रहा है तब तुमको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये लोग तो हम लोग का प्लान ही चौपट कर दिया, हमारा दुकान तोड़ा दिया, हमारा आदमी को भी उड़ा दिया।